आइए हम सभी दर्शकों को आज अर्शी खान जी से मुलाकात कराते हैं। आज वो खुद रिपोर्टिंग करेंगे, खुद के लिए काफ़ी यूनिक है। मैम, शरद यादव एक एमपी हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं। उन्होंने राजस्थान के सीएम के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि काफ़ी देखा जाए तो सही नहीं है एक फीमेल के लिए, और वो भी कि सीएम है। उनके लिए बोला गया कि अब मोटी हो चुकी हैं, पहले पतली थी, अब उनको आराम देना चाहिए। तो किसी भी महिला के लिए इस ढंग का शब्द का प्रयोग कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेरे हिसाब से किसी के लिए भी है, चाहे राजनीति में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे घरेलू लेडी हो, उसकी बॉडी शेमिंग करना, बॉडी पे बात करना, ये बहुत ही ज़्यादा चीप बात है। और किसी भी, मेरे हिसाब से वो कोई एथलीट तो है नहीं जो वो स्पोर्ट्स में है, या फिर वो इंडस्ट्री में तो है नहीं जो उनको अपना फिगर मेंटेन करना रहे या फिर पब्लिक को दिखाना रहे, वो राजनीति में है। तो आई डोंट थिंक सो कि लेडी को अपना बॉडी मेंटेन रखना पड़ेगा राजनीति में। तो वो किसी के लिए भी हो, लेकिन किसी के लिए ऐसी बात कहना, ऐसी बातचीत करना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। भारत का अगला प्रधानमंत्री आप किनको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री साहब जो भी बनेंगे, हम ये चाहते हैं कि देश अच्छा हमारा चले, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की जो पब्लिक है वो अच्छे से रह सके, खाना पीना हो, या फिर ये जो गरीब लोग हैं, या फिर एजुकेशन के मामले में हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा हमारा प्रधानमंत्री, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जो भी हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट में ये रहता है कि देश किसने सही चलाया और पब्लिक किससे खुश है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनता के लिए जो सही होगा वही भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए? डेफिनेटली, ये हमेशा से ये बिल्कुल ज़रूरी है। आपका देश चलाने वाला जो हमारा जो नेता रहेगा वो सही होना चाहिए, और देश किस तरक्की पे जाए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश के लिए भी क्या-क्या जरूरी काम हैं जो आम जनता के लिए लाभदायक हो, आप भी भारत के नागरिक हैं, जी वुमेन हैं, तो क्या लग रहा है भारत में ऐसी क्या अभी आवश्यकता है जो होनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन के मामले में हो, लड़कियों की शादी के मामले में हो, दहेज के मामले में हो, ये अभी तक बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी तक चल रही हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर बेटी का हो कि अगर लड़की हो गई है तो, ये बहुत सारे गांव में अभी भी देखा गया है कि वहाँ पर भी अभी तक यही रीत चल रही है लगातार कि भैया बेटी ही नहीं चाहिए हमको, हमको लड़का चाहिए, नहीं तो बेटी को मार देते हैं। तो ये अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर देखेंगे तो ये चीज़ें नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये थोड़ा मैंटेलिटी चेंज हो जाए लोगों की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि थोड़ा मैंटेलिटी चेंज हो जाए, मेंटल सिचुएशन जो है, जो उन लोगों ने शुरुआत से करके रखी कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस उम्र में शादी हो जाना चाहिए, इतने लड़के होना चाहिए, इतनी ही लड़की होना चाहिए, तो ये चेंज होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बातचीत से ये निकल के आया है कि कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो जी इस सरकार का नारा है जी उस पे और भी जोर देने की ज़रूरत है, डेफिनेटली और भी सुधार की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं, आज अगर हम न्यूज़ में देखते हैं तो लड़कियों के बारे में बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आज इस लड़की के साथ ये वारदात हो गई, आज इस लड़की का यहाँ पर मार दिया गया उसको, या फिर किसी के घर में बेटी हुई तो उसने उसको गला घोट दिया। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चलती हैं और ये इंडिया में ही देखी जाती हैं ज़्यादातर। तो इसके ऊपर गौर करना और इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दो ऐसे सुझाव जो वीमेंस के लिए बहुत जरूरी है इस देश में सरकार के लिए? सरकार के लिए यही है कि सबसे पहले तो ये टैग हटना चाहिए कि लड़की की जल्द से जल्द शादी हो। दूसरा ये है कि लड़की को जिस तरह से लड़के आराम से घूम सकते हैं, और मैं खुद ही अगर मुझे निकलना रहता तो मेरे इतने गार्ड्स रहते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम तो चलो एज ए सेलेब है निकलते हैं, लेकिन कुछ लड़कियों को बड़ी परेशानी हो जाती है। तो मतलब उनके लिए कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए या फिर ऐसी चीज़ें होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर उनके पास वो चीज़ पहुंच जाना चाहिए उनको सेव करने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार को अभी भी खास करके भारतीय नागरिक यहाँ के बच्चे खास करके बेटियों के लिए सरकार को फिर से और अच्छे ढंग से सोचने की आवश्यकता है। डेफिनेटली।
एक मैसेज अपने चाहने वाले को? मेरी आवाम तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी अपनी आवाम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो डेफिनेटली हम अच्छा काम करते रहेंगे, नाम करते रहेंगे और देश का नाम ऊंचा करते रहेंगे। थैंक यू। आने वाले समय में आप कोई नया प्रोजेक्ट बिल्कुल आपका? बिल्कुल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इवन 2019 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें मैं आपको दिखूंगी। तो बेस्ट विशेस फॉर न्यू ईयर ऑल्सो, और आगे बहुत सारे काम हैं। थैंक यू। हो गया रिकॉर्डिंग? जी रिकॉर्डिंग दिखाई जा रहा एक मिनट दिखा रहा हूँ, आप आईडी रख दीजिए। पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं, मुझे एक सेकंड का देखना है, हाँ स्लो दिखा देखना था एक्चुअली। दिखा